Morning, all of you. I was discussing the topic rise and decline of Spain. Rise and decline of Spain. स्पेन का उत्थान होता है, स्पेन का उत्थान एवं पतन, स्पेन के उत्थान पतन में हैबसबर्गीय परिवार के प्रभुत्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात आज हम फ्रांस के महान शासक चार्ल्स पंचम के बारे में हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। तो सम्राट चार्ल्स पंचम का जन्म से लेकर इनके उद्भव सम्राट विस्तार करने से तक हम आपको बताएंगे। चार्ल्स पंचम फिफ्थ, चार्ल्स फिफ्थ, फिलिप और जुआना के संयोग से नीदरलैंड के केंट नामक नगर में सम्राट चार्ल्स का 1500 ईस्वी में जन्म हुआ, जो कि संपूर्ण यूरोप का सबसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुआ और सम्राट चार्ल्स ने अपने जीवन में अनेक महान उपलब्धियां हासिल की, क्योंकि इजाबेला की 1504 में मृत्यु के पश्चात फिलिप शासक बन गया और जोआना जो है अपने पिता की सहशासिका बन गई। जोआना अयोग्य शासक थी। इसके पश्चात फर्डिनेंड शासक हुआ और इस तरह से फ्रांस में 1506 ईस्वी में जो है जो शासक था इनका पिता जोआना के पिता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात यह सवाल उठा किसे शासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। इस तरह से 6 वर्ष की उम्र में फिलिप जो है नीदरलैंड तथा कैस्टील का शासक हुआ और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात यह जो है अत्यंत ही सौभाग्यशाली शासक सिद्ध हुआ और सम्राट
की मृत्यु के पश्चात यूरोप के अनेक राष्ट्रों का उत्तराधिकार सम्राट चार्ल्स पंचम को प्राप्त हुआ। इसने सिसिली, सार्डिनिया, नेपल्स इत्यादि राज्यों का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात 16 वर्ष की उम्र में इस पर मुकुटों की वर्षा होने लगी। इनके पितामह सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम, जो अत्यंत योग्य शासक थे, जो पवित्र रोमन सम्राट के रूप में पदवी प्राप्त कर चुके थे, और सम्राट मैक्सिमिलियन के मृत्यु के पश्चात ऑस्ट्रिया की आर्च डची का भी उत्तराधिकार इनको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 16 वर्ष की उम्र में इन पर मुकुटों की वर्षा होने लगी और अंततः संपूर्ण यूरोपीय साम्राज्य स्पेनी साम्राज्य में सम्मिलित हो गया, मिला लिया गया। इस तरह से सम्राट चार्ल्स महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पितामह की तरह ही पवित्र रोमन सम्राट की पदवी को प्राप्त करना चाहता था, और इसके लिए उन्होंने नीदरलैंड, कैस्टिल, ऑस्ट्रिया, नेपल्स, सार्डिनिया, सिसिली आज अनेक महत्वपूर्ण राज्य इसके साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। तो शासन के भार को कम करने के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य का कुछ भाग अपने छोटे भाई फर्डिनेंड निकोलियो ने दे दिया, क्योंकि स्पेनिश साम्राज्य, यूरोपीय साम्राज्य जिस पर कि सम्राट चार्ल्स पंचम का अधिकार था, वह अत्यंत विशाल साम्राज्य था। सम्राट चार्ल्स पंचम ने अपने छोटे भाई को कुछ भाग दे दिया, जिससे कि अपने भार को कम कर सके। इस तरह से एक महत्वाकांक्षी शासक सम्राट चार्ल्स पंचम ने, जो अपने पितामह मैक्सिमिलियन की तरह पवित्र रोमन सम्राट की पदवी को प्राप्त करना चाहता था, इसमें फ्रांसिस प्रथम एक शासक था, जिसने भी, जो फ्रांस का था, जो स्वयं भी पवित्र रोमन सम्राट की पदवी को प्राप्त करने का इच्छुक था। इस तरह सोचाता था कि फ्रांस पर सम्राट चार्ल्स पंचम का अधिकार उसके लिए अहितकर सिद्ध होगा और उसकी शक्ति को छीन करेगा। इसलिए फ्रांसिस प्रथम स्वयं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वह भी चाहता था कि पवित्र रोमन सम्राट की पदवी को प्राप्त करें। और इधर हेनरी अष्टम नामक एक शासक ने भी जो है पवित्र रोमन सम्राट की पदवी को प्राप्त करने का इच्छुक था। इस प्रकार से तीनों शासकों के मध्य एक महत्वाकांक्षा जागृत हुई, जिससे कि पवित्र रोमन सम्राट की पदवी को प्राप्त कर सके। लेकिन सम्राट चार्ल्स पंचम ने घूस देकर फ्रांसिस प्रथम को मिला लिया। इस प्रकार से
बहुमत के निर्णय से चार्ल्स पंचम उत्तराधिकारी हुआ, चार्ल्स पंचम शासक नियुक्त किया गया और 1520 में उसका विधिवत तरीके से राज्याभिषेक किया गया। इस तरह से सम्राट चार्ल्स पंचम एक अत्यंत ही योग्य शासक था। सम्राट बनने के पहले, सम्राट बनने के बाद चूंकि इसको जैसे ही सम्राट बना, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वंशज का था, इसके पितामह जो थे मैक्सिमिलियन तथा पिता फिलिप जो एक अत्यंत योग्य शासक थे और जिस हैब्सबर्गी परिवार से यह संबंध रखता था, उस हैब्सबर्गी परिवार से यूरोप के अन्य राष्ट्र सशंकित थे, क्योंकि वह जानते थे कि स्पेन का उत्कर्ष अन्य शासकों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उनके मध्य एक वैमनस्य का भाव भी जो है उठ रहा था और स्पेन के इस महत्वपूर्ण राजवंशज के अधीन अपने को रखना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि यह इतना विशाल वंशज था, यह ऐसा वंशज था जिसके अंतर्गत संपूर्ण यूरोप में इनका शासन व्याप्त था और जैसे ही सम्राट मैक्सिमिलियन की मृत्यु हुई, जैसे ही वह स्वयं शासक के रूप में सिद्ध हुआ, उसी समय से ही यूरोप के अन्य राज्यों का दायित्व भी सम्राट चार्ल्स पंचम के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार से उस दायित्व को विधिवत निर्वाह करने के लिए एक योग्य शासक, चार्ल्स पंचम जैसे योग्य शासक ने अपना महत्वपूर्ण सैनिक संगठन तथा शासन के भार को कम करने के लिए अपने साम्राज्य को का कुछ भाग अपने भाई को दे दिया, फर्डिनेंड को। इस तरह से उसका राज्याभिषेक 1520 ईस्वी में हुआ और संपूर्ण स्पेनिश साम्राज्य का एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। और अब सम्राट बनने के पश्चात उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी कि किस ढंग से यूरोपीय साम्राज्य में अपने को स्थापित किया जाए, किस ढंग से शासन के संचालन को सुचारू रूप से किया जाए, क्योंकि यूरोप के अन्य शासक फ्रांस, इंग्लैंड आदि अनेक जो देश थे वह इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे। वो स्वयं चाहते थे कि हमारी सत्ता स्वयं स्थापित हो, जिसके माध्यम से जो है जिसके माध्यम से यहाँ पर भी की सत्ता के अंतर्गत रहकर कार्य न करना पड़े। इस तरह से संघर्ष की स्थिति स्वाभाविक थी। सम्राट चार्ल्स पंचम ने अपने विरोधियों को भी शांत किया, अपने साम्राज्य की पराकाष्ठा पर पहुंचाया और शासन सुचारू रूप से संचालित किया, जिसके अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य को
इन्होंने संगठित करने का प्रयास किया। जो यूरोप के अन्य राष्ट्र थे जिसमें इसके पितामह सम्राट मैक्सिमिलियन से आशिया की आर्च डसी का अधिकार मिला हुआ था, सिसिली, सार्डिनिया, नेपल्स आदि जो महत्वपूर्ण राष्ट्र इनको प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी क्योंकि इनका पिता जो है ये के शासक थे तथा इनके पिता पितामह जो स्वयं एक युग शासक थे, इनके नाना फर्डिनेंड का जो विश्व के विभिन्न राजवंशों के मध्य वैवाहिक संबंध तथा अन्य के माध्यम से जो उन्होंने एक संबंध स्थापित किया था, उसको चार्ल्स पंचम ने बखूबी निर्वाह करने की कोशिश की और फ्रांसिस प्रथम तथा हेनरी अष्टम की जो महत्वाकांक्षा थी वह भी बलवती हो रही थी। इस प्रकार से संपूर्ण समस्याओं को शांत करने की इन्होंने कोशिश किया और स्पेन के में एक महान साम्राज्य की स्थापना की और इनके समय में स्पेन ने कला, साहित्य तथा हर संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति किया, क्योंकि यह युग के शासक था। इनके समय में तमाम साहित्य लिखे गए, वैज्ञानिकों का आविर्भाव हुआ और इस ढंग से सम्राट चार्ल्स पंचम जो है एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, जिनके माध्यम से स्पेन चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इस तरह से स्पेन का उत्कर्ष, स्पेन का उद्भव किस तरह से हुआ, सम्राट चार्ल्स पंचम की क्या उपलब्धियां थी जिसके माध्यम से यह महत्वपूर्ण शासक वो सिद्ध हुआ, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सम्राट चार्ल्स पंचम को उत्तराधिकार में जो शासन प्राप्त था, उस शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सम्राट चार्ल्स पंचम के ही ऊपर थी। सम्राट चार्ल्स पंचम ने यूरोप तथा विश्व के अनेक देश जो स्पेन के अंतर्गत थे, नीदरलैंड, सिसली, सार्डिनिया आदि जो देश थे जो कि सम्राट चार्ल्स पंचम के अधीन थे, उन्होंने इन राज्यों में अपनी शासन सत्ता को विधिवत स्थापित करने की कोशिश की और जहां भी कहीं शासन का सुचारू रूप से संचालन नहीं होता था वहां शासन को सुचारू रूप से संचालित किया गया और स्पेन के साम्राज्य को महत्वपूर्ण रूप से स्थापित करने की कोशिश की गई। इस तरह से सम्राट चार्ल्स पंचम ने फ्रांसिस प्रथम तथा हेनरी अष्टम जैसे शासकों से भी संघर्ष किया और अपनी शासन सत्ता को विद्युत रूप से संभाला। इस तरह से
सम्राट चार्ल्स पंचम के समक्ष शासन की स्थापन में अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियां थी जिसका कि इनको सामना करना इनके लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि विश्व के अनेक राष्ट्र इंग्लैंड, इटली, फ्रांस इत्यादि राज्य ये नहीं चाहते थे कि स्पेनिश साम्राज्य के अंतर्गत रहकर ही शासन की अधीनता को माना जाए। इस तरह से कट्टरता व्याप्त होना स्वाभाविक था और फ्रांस जो कि स्वयं एक वहाँ का शक्तिशाली शासक फ्रांसिस प्रथम था और फ्रांस भी ये नहीं चाहता था कि वह इनकी शासन सत्ता कायम हो, क्योंकि सम्राट चार्ल्स पंचम या स्पेनिश शासन जो है स्वयं हमारे लिए हितकर सिद्ध नहीं होगा, इसको स्थापित करने की पुनः कोशिश किया। इस तरह से सम्राट चार्ल्स पंचम के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान थी जिसका कि उन्होंने बखूबी सामना किया। तो जो इन्होंने सैनिक संगठन के माध्यम से तथा साम्राज्य का जो इतना विस्तार था उसमें एक अच्छे तथा सुचारू रूप से शासन का संचालन किया और महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनकी यह थी कि शासन सत्ता उन्होंने सुदृढ़ बनाया तथा विश्व के अनेक राष्ट्र सिसनी, सार्डिनिया, नेपल्स इत्यादि जो इनके अनुयायी थे उसको विद्वत रूप से पुनर्स्थापित करने की इन्होंने कोशिश किया। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया, साहित्यकारों को प्रश्रय मिला, विभिन्न प्रकार के साहित्यों के सृजन हुए और भौगोलिक खोजें भी तथा अन्य अनेक कलाओं को प्रोत्साहन मिला तथा इस तरह से अन्य अनेक कार्य ऐसे संस्थापित किए गए जिसके माध्यम से जो है सम्राट चार्ल्स पंचम ने साम्राज्य को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। और सम्राट चार्ल्स पंचम के समय में ही जो है जो हैब्सबर्गी परिवार का अत्यंत उत्कर्ष हुआ। इस उत्कर्ष ने स्पेनिश साम्राज्य को अत्यंत बढ़ाने की कोशिश की। इस तरह से सम्राट चार्ल्स पंचम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों ने स्पेन के साम्राज्य को जो है के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। तो सम्राट चार्ल्स पंचम की उपलब्धियाँ यह थी कि विश्व के अनेक राष्ट्र इसके अनुयायी हो गए, क्योंकि इन्होंने शासन इनका शासन जो विश्व के अनेक राष्ट्रों पर था इसमें विभिन्न राजवंशों का समावेश था, विवाह के द्वारा तथा सैनिक शक्ति के द्वारा तथा पद प्रतिष्ठा के माध्यम से सम्राट चार्ल्स पंचम का शासन पूरी तरह से स्थापित हुआ।
इस तरह से स्पेन जो है एक महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में फिलिप का उत्कर्ष हुआ, जिसने कि संपूर्ण साम्राज्य को विधिवत तरीके से स्थापित करने की पूरी कोशिश की। इस तरह से सम्राट चार्ल्स पंचम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई और द नेक्स्ट टॉपिक दिस लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू।